आपसे बात करते हुए मैं लगातार ऐसे हूँ, आपको बिहारी क्यों समझते हो? हलवा कहाँ से बानी, हम पटना से बानी, लिट्टी चोखा बाहर। लिट्टी चोखा खाया आपने कभी? बहुत बार खाया हूँ, हमसे ज्यादा खरिया कौन, हम ही हैं भोजपुरी आदम। मेरा फेवरेट प्लेयर तो सबकी फेवरेट प्लेयर है एमएस धोनी, तो उसके बाद तो सूर्या कुमार। गाली मुझे बस जितना तो हिंदुस्तान में तो नहीं आते, मतलब हाँ तो आराम से भारत। नमस्कार, मैं चंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं News18। आज हमारे साथ नाइजीरिया से अगु स्टैनली जी हैं। आपको बिहारी क्यों समझते हैं लोग? बिहारी क्यों समझते हैं लोग? क्योंकि मैं बिहार लोग के साथ रहता हूं, तो बिहार के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं मेरे को। क्या जानते हैं, कितना जानते हैं बिहार के बारे में? जैसे कि कहालवा कहाँ से बानी, हम पटना से बानी, लिट्टी चोखा बाहर, ये सब चीज। लिट्टी चोखा खाया आपने कभी? बहुत बार खाया हूँ मैं। कैसा? बहुत अच्छा लगा मेरे को, मतलब देसी घी के साथ। और इसके अलावा भोजपुरी फिल्में देखते हैं? भोजपुरी फिल्म देखता नहीं है, बट भोजपुरी गाना सुना है। आप पॉपुलर उसी से हुए हैं? हाँ हाँ हाँ। एक बार वो गाना जो हमसे ज्यादा खरिया कौन, हम ही हैं भोजपुरी आदम। और किस तरह के, कौन से बॉलीवुड एक्टर में कोई पसंद? बॉलीवुड एक्टर में तो बहुत पसंद है मेरे से नवाजुद्दीन सिद्दीकी, यार मनोज वाजपेयी, यार पंकज त्रिपाठी, अजय देवगन, शाहिद कपूर, बहुत पसंद। अभी हाल में किसकी फिल्में देखा है? बिहार में फिल्म, बिहार वाला फिल्म देखा ही नहीं है, बट हाँ गाना देखा है, गाना सुना है बहुत बार। बॉलीवुड के गाने कौन से? आप हिंदी गाने सुनते हैं? हिंदी गाने सुनता हूँ। कौन बताइए जैसे अरिजीत सिंह? हाँ एक है छिछोरे से, छिछोरे का गाना है। और कभी आप बिहार गए कि नहीं? गए नहीं है बट हाँ जाना चाहता हूँ। और भोजपुरी फिल्म देखा? नहीं नहीं देखा। और अब तक मैंने कैसा सफर रहा, यहाँ कितने दिन हो गए? 4 साल हो गया। कैसा रहा? हाँ 4 साल हो गया। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बात। जब शुरू में आए होंगे तो हिंदी नहीं आती होगी? बिल्कुल हिंदी आती नहीं। तो उस समय फिर कैसे एडजस्ट करते थे लोगों के साथ? तो नॉर्मल गली से दोस्त से बैठ के बात करने के, पूछता क्या बोल रहा है, ये क्या मतलब है, ऐसे ही थोड़ा तो ऐसे ही तो हिंदी सीख लिया। कभी किसी ने परेशान किया शुरुआत दिनों में? शुरुआत में बहुत लोग पसंद किया, जैसे ये लोग जो पास रेसिस कमेंट पास करते हैं, मैं भी हंस देता हूँ उसके ऊपर। जैसे हम लोग खेलते खेलते हुए लोग बोलते करिया या बंदर, ऐसे ऐसे चीज होता है। वही करिया आज मजबूती बन गया। और क्या और क्या भाई, हो चुके हैं। नाइजीरिया की कौन सी चीज मिस करते हैं? नाइजीरिया में उसे परिवार, फैमिली, सिर्फ फैमिली मिस करते हैं। फैमिली को कभी लाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल वही में मेरा पहला प्लान है, फैमिली लाना चाहता हूँ हिंदुस्तान में। भारत में और कुछ कहीं गए घूमने? हाँ बहुत जगह हैं घूमने, जैसे वाराणसी गए थे घूमने, उत्तराखंड गए हूँ, जैसे हल्द्वानी, नैनीताल, बैंगलोर भी गए थे, साउथ साइड हैदराबाद भी गए थे, नॉर्थ ईस्ट साइड भी गए थे, जैसे मिजोरम, वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी के आसपास। आधा भारत भ्रमण कर लिया आपने? हाँ क्योंकि मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, तो बास्केटबॉल की वजह से मैं घूमता हूँ हिंदुस्तान। अच्छा बास्केटबॉल बहुत खेलता है। क्रिकेट देखते हो? हाँ क्रिकेट देखते हूँ। अभी IPL हाल में गुजरा? हाँ देखो। फेवरेट प्लेयर कौन सा था? फेवरेट प्लेयर तो अभी तो सूर्या कुमार यादव, वही मैं तो पहला फेवरेट प्लेयर तो सबकी फेवरेट प्लेयर है MS धोनी, तो उसके बाद सूर्या कुमार यादव, क्योंकि वो जब बैटिंग आती थी ऐसे ही तो पेल के बाउंड्री मिलता है। IPL में फेवरेट टीम?
मेरा फेवरेट थिंग टू गुजरात तीनों चीज अलग अलग है सूर्या मुंबई गुजरात थिंग गुजरात कभी गए नहीं नहीं गुजरात नहीं गया पहले तो जब मैं आना चाहता हूँ हिंदुस्तान में तो पहले तो मैं गुजरात जाना चाहता हूँ पर कुछ हुआ मैं गया नहीं वहाँ पे मुझे अच्छा लगता है कि मैं लखनऊ में गया नहीं किया अभी तक भारत में आया तो सबसे पहले कहाँ सबसे पहले लखनऊ अच्छा एक चीज पूछना चाह रहा हूँ जैसे भारत में गाली होती है हिंदी सब सीखने के बाद आपको पता चला ये गाली थी गाली तो पहला चीज तो सुनने तो नाइजीरिया में भी गाली होती है हाँ गाली होती है पर जितना तो हिंदुस्तान में तो नहीं आते मतलब वो हाँ तो आराम से यहाँ पे गाली एक अलग फील आती थी गाली देने में तो हाँ कभी किसी ने आपको गाली दी किसी ने मेरे को गाली दे हाँ दोस्त दोस्त बहुत गाली देता है बिना गाली में दोस्त दोस्त बात करने से नहीं होता जैसे एक दिन हुआ था ऐसे में मेट्रो गए थे तो एक बंदा आया तो मतलब दोस्त के साथ वो काफी काला है तो मैं गए थे ना बोला कि आपका काला कालू भाया गया आपका कालू भाया गया मैंने पूछा था कौन उसके कालू भाई कौन उसके कालू भाई तो उसको नहीं पता कि मैं हिंदी समझता मेरे को तो बोला कि भैया सॉरी सॉरी हाँ ऐसे होता है मेरे साथ खाने में क्या चीज़ पसंद है खाने में तो बेसिक देसी वाला खाना दाल चावल दाल करी चावल करी जैसे नाइजीरिया से आप आए होंगे वहाँ के खान पान अलग है यहाँ के अलग है तो शुरुआत में दिक्कत हुई होगी बहुत दिक्कत होती मेरे को जब मैं यहीं पे ना जब मैं आए थे यहीं पे ना तो बिल्कुल बिल्कुल चावल दाल नहीं खा सकते पनीर मतलब क्योंकि ये पहला तो नहीं खाता हूँ मैं तो मतलब जैसे रहता 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 आदत लग गया पहले दो तीन हफ्ते में सिर्फ मुरादाबादी बिरयानी खाता हूँ मैं सिर्फ मुरादाबादी बिरयानी कुछ और नहीं खाता हूँ मैं फिर रहने रहने की आदत लग गया तो हाँ अभी तो सिर्फ हिंदी हिंदू इंडिया हिंदुस्तान खाना खाता हूँ आपसे बात करते हुए मैं लगातार ऐसे हूँ और कहीं दिक्कत हुई इस चीज़ की गर्लफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है तो नाइजीरिया या भारत भारत का तो क्या प्लानिंग है आगे की कुछ आगे मतलब गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं 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 मतलब आगे हाँ भारत अभी तो इंडिया में तो अभी नाइजीरिया पहले तो मैं हिंदी सीख रहा हूँ क्योंकि मैं मुझे पसंद है ठीक है मुझे नहीं पता कि ये बहुत बड़ा चीज़ है हिंदी बोल रहे हो हाँ मुझे नहीं पता कि बहुत बड़ा चीज़ हो जाती है एक दिन में तो ऐसे एक दिन मैं काम का कोड खोल के अभी हिंदी में बात कर रहे हैं फोनी फोनी चीज बोलने लगी अचानक से वायरल हुआ पहले तो मेरे को नहीं पता कि ये कार्या हो सकते मेरे लिए अभी तो मैं देख लिया कि फॉलोइंग बढ़ रहा है और लोग अप्रिशिएट करते हैं कि मैं हिंदू हिंदू कल्चर से समझता हूँ को मैं भी करता हूँ लाइक जैसे मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ हिंदू कल्चर में तो अभी तो कंटेंट क्रिएशन फुली कर रहे हैं तभी मैं आगे कभी फिल्म और इस समय काम करने को मिले सीरियल में तो हाँ करेंगे बिल्कुल बिल्कुल करेंगे भाई और एक्टर भी ऐसे पसंद करते जो एक्टिंग करते हैं मैं बोल चुके जैसे अच्छे नवाजुद्दीन मनोज वाजपेयी मनोज वाजपेयी के कोई फिल्म के नाम बता सकते हैं जंगो बासीपुर जंगो बासीपुर हाँ अभी उनकी आई है वेब सीरीज बांदा तो देखेंगे तो अभी फिलहाल गुड़गांव में रह रहे हैं हाँ अभी फिलहाल गुड़गांव में चलिए वजह से मैं आपसे बात करने की बहुत अच्छा लगा